फोर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था एग्रीमेंट विद माइनर। हमने स्टडी किया था कि तीन तरह के लोग हैं जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिसक्वालिफाइड वाला। तीन वन बाय वन हम तीनों के बारे में डिटेल डिस्कशन कर रहे थे कि अगर कभी इनके साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका स्टेटस क्या होगा। स्टार्ट किया था हमने माइनर के साथ, तो माइनर के पॉइंट्स हम पढ़े थे, लेकिन दरमियान में गैप आ गया, भूल गए होंगे, इसलिए दोबारा आपके साथ क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं डिटेल में आज के कॉन्सेप्ट्स। माइनर के बारे में पहला रूल, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड अगेंस्ट हिम, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, माइनर आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ये वॉइड अगेंस्ट हिम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फिर एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है अगर किसी लैंडर ने पैसे दिए माइनर को, तो वो लैंडर पैसे रिकवर नहीं करवा सकता, ठीक है, लेकिन अगर माइनर ने पैसे दिए हैं, माइनर रिकवर करवा सकता है। लैंडर उस सूरत में रिकवर करवा सकता है अगर उसने माइनर को पैसे दिए हों और अभी भी कुछ बचे खुचे पैसे हों। बचे खुचे पैसे जो होंगे ना, वो लैंडर रिकवर करवा सकता है, वरना अगर माइनर पैसे खा भी गया तो वो लैंडर उसे रिकवर नहीं करवा सकता। दूसरा, रूल ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अगर माइनर कहे मैं माइनर तो नहीं, मैं तो मेजर हूं, मैं तो, उसकी इस स्टेटमेंट की बेस पे उसके साथ पार्टीज एग्रीमेंट कर लें, तो बाद में वो बैकआउट कर सकता है क्या? बाद में वो कह सकता है कि मैं तो असल में मेजर नहीं, माइनर हूं। क्या लॉ उसे यू टर्न लेने की इजाजत देता है? बिल्कुल, ठीक है। इसे कहते हैं रूल ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई। स्टॉपेल का मतलब होता है रोकना। लॉ बाकी के लोगों को तो रोकता है कि आपने जो स्टेटमेंट दे दी ना, अब उसके एग्रीमेंट होने के बाद उसे वापस नहीं कर सकते। जो स्टेटमेंट दे दी किसी पार्टी ने, उसकी बेस पे एग्रीमेंट कर लिया, अब आप उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते। ला बाकी लोगों को तो रोकता है, बाकी लोगों पे तो स्टॉपेल का रूल अप्लाई होता है, लेकिन माइनर के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। माइनर अपने आप को मेजर कह के फिर पलटी मार गया, कहने लगा मैं तो माइनर हूं, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। पैसे लेते वक्त मेजर बन गया, कहा मैं मेजर हूं, और पैसे देने की बारी आई पलटी मार गया, कहने लगा मैं तो माइनर हूं, असल में माइनर है। क्या पैसे रिकवर हो सकते हैं उसे? नहीं। रूल ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। फिर नो रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसीक्वेंट अप्रूवल। आप अगर पहले कोई ऐसा एक्ट है जो बगैर अथॉरिटी के किया गया, लेकिन बाद में उसकी कोई दूसरा बंदा अथॉरिटी दे दे, कोई प्रिंसिपल, कोई सीनियर, तो उसे कहते हैं रेटिफिकेशन। मैंने अपने टीए से कहा कि जाओ मेरे लिए मोबाइल लेके आओ नोकिया का, वो गया और सैमसंग का मोबाइल ले आया, मेरी इजाजत के बगैर लेके आए ना, लेकिन कहने लगा सर ये बड़ा अच्छा है, उसमें उससे ज्यादा फीचर्स थे। अगर मैं उस मोबाइल को देखता हूँ और कहता हूँ चलो ठीक है, ये मुझे मंजूर है, मैं ये खरीद लेता हूँ, ये लो पैसे, ये क्या कहलाता है लॉ की लैंग्वेज में? रेटिफिकेशन। यानी पहले कोई बंदा काम करे बगैर ऑथोराइजेशन के, अनऑथोराइज काम करे कोई, लेकिन उसकी सब्सिक्वेंटली ऑथोराइजेशन हो जाए, इसे कहते हैं रेटिफिकेशन। काम करने से पहले अप्रूवल देना, वो तो सिंपल अप्रूवल या ऑथोराइजेशन होता है ना। काम जब किया उस वक्त ऑथोराइजेशन नहीं थी, उस वक्त इजाजत नहीं थी, बल्कि बाद में इजाजत मिली, सब्सिक्वेंट अप्रूवल को क्या कहते हैं? रेटिफिकेशन। माइनर रेटिफाई भी नहीं कर सकता अपने उन एक्ट्स को जो वाइड है, माइनर अपने वाइड एक्ट्स को रेटिफाई भी नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल, माइनर ने एग्रीमेंट किया 10 साल की उम्र में कि चाचा जो कुछ उसकी परवरिश कर रहा है वो उसके बदले में पैसे देगा, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं, वाइड है। अगर एग्रीमेंट कर लिया और बाद में 18 साल का होके इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया, रेटिफाई कैसे किया? इस एग्रीमेंट की जगह पे एक और एग्रीमेंट किया, और उस नहीं और एग्रीमेंट किया तो वो वैलिड है, लेकिन अगर दूसरे एग्रीमेंट में ये कहा कि ये एग्रीमेंट पहले एग्रीमेंट की जगह पे किया जा रहा है, फिर वॉइड। क्यों? क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट की रेटिफिकेशन भी वॉइड है। बात समझ आ रही? या तो ना बिल्कुल नया एग्रीमेंट हो वो वैलिड होगा, जो बिल्कुल नया एग्रीमेंट हो वो वैलिड होगा, लेकिन जो पुराने वाइड एग्रीमेंट की जगह पे ही एग्रीमेंट हुआ वो क्या होता है? वाइड। लॉ में जब किसी पुराने एग्रीमेंट की जगह पे कोई नया एग्रीमेंट किया जाए उसे कहते हैं नोवेशन। क्या कहते हैं? नोवेशन का मतलब है पुराने एग्रीमेंट की जगह पे नया एग्रीमेंट किया। अगर माइनर 10 साल की उम्र में पुराना एग्रीमेंट किया, 18 साल की उम्र में एक नया एग्रीमेंट किया, और नया एग्रीमेंट सेपरेट एग्रीमेंट नहीं था बल्कि पुराने वाले एग्रीमेंट की जगह पे किया, पुराने वाले एग्रीमेंट की नोवेशन है, तो लॉ कहता है ये वॉइड है, ये पुराने एग्रीमेंट की रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकती।
ये बात समझ आ रही है कि नहीं? दो सिचुएशन डिफरेंट है, एक ये है कि 18 साल की उम्र में होके तो नया एग्रीमेंट करना, एक वो वैलिड है जिसमें ये कहा जाए कि मैं आपके प्रीवियस एक्सपेंसेस पे करूंगा, वो वैलिड है। और एक सिचुएशन है 10 साल की उम्र में एग्रीमेंट किया, 18 साल की उम्र में उस एग्रीमेंट की रेटिफिकेशन की, उस एग्रीमेंट की जगह पे नया एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट 10 साल वाले एग्रीमेंट की अप्रूवल की, इसकी लॉ इजाजत नहीं देता। यानी लॉ कहता है 18 साल का होके नया एग्रीमेंट तो आप कर सकते हो, लेकिन 18 साल का होके जो पुराना 10 साल वाला एग्रीमेंट था उसकी रेटिफिकेशन, उसकी अप्रूवल नहीं कर सकते। यह है नो रेटिफिकेशन का कंसेप्ट। तो माइनर के केस में रेटिफिकेशन भी लाओ नहीं होता, रूल ऑफ एस्टोपल भी अप्लाई नहीं होता। आगे चलें, इन पार्टनरशिप, क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? अच्छा, अभी अल्फाज सुनिएगा और जरा इसमें तलाश कीजिएगा कि क्या कंसेप्ट है। ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इन टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इन टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब माइनर पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन पार्टनरशिप में उसकी एंट्री हो सकती है। एंट्री कैसे हो सकती है? कहा जाएगा ये सिर्फ बेनिफिट्स में पार्टनर, ठीक है? और बेनिफिट को अंडरलाइन करें, बेनिफिट को अंडरलाइन, और इसके साथ लिख ले बेनिफिट के साथ इज इक्वल टू लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब आपको नहीं पता होगा लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है ना, ये भी नहीं पता होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है। ऐसे जी ये मैं एक्सप्लेन करूंगा पार्टनरशिप में। बेनिफिट का मतलब क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे पार्टनरशिप में। चलिए मैं ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाईजान ने बिजनेस, भाईजान कौन सा बिजनेस है जल्दी बताएं, क्या किराने की दुकान खोली, मोबाइल मोबाइल की पंचर वाली दुकान खोली भाई ने, और इन्होंने कहा सर कुछ सामान लेना है मुझे उधार दे दीजिए। मैंने इन्हें उधार दिया, इन्होंने दुकान के लिए सामान खरीदा, महीने बाद नुकसान हुआ, दुकान इनकी खाली हो गई। पहली ऑप्शन, मैं इनके पास आया, मैंने कहा मेरा उधार, उन्होंने कहा सर दुकान देखिए खाली है, आपने जो पैसे दिए थे सारे उजड़ गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कोई पैसा भी नहीं है। अब चूंकि दुकान में पैसा लगाया था और दुकान खाली हो गई है, आपको भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्या ये बंदा घर से पैसे लेने ला के देने का पाबंद है? ला यहां पे कुछ सिचुएशन में कहता है, कुछ सिचुएशन में ला कहता है ये बिजनेसमैन घर से पैसे लेके आएगा और मुझे देगा, और कुछ सिचुएशन में कहता है ये बिजनेसमैन घर से पैसे नहीं लेके आएगा, बिजनेस में पैसे पड़े हुए तो वो दे देगा, बिजनेस खाली तो पैसे भी फर्क। जो सिचुएशन है ना कि ला ये कहता है कि बिजनेस में पैसे होंगे तो फिर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, इसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, ओनर की लिमिटेड लाइबिलिटी। और जब ला ये कहता है कि ये बंदा घर से भी पैसे लेके आएगा जो घर में इसने संभाल के रखे हैं, तो इसे कहते हैं ला क्या कहता है, ओनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो मुझे बताइए एक क्रेडिटर के लिए, एक क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड बेहतर है कि अनलिमिटेड? क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अनलिमिटेड बेहतर है उसके घर, और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड। तो पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की लाइबिलिटी पता है क्या है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। क्यों भला? क्योंकि वो पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि माइनर पार्टनर ये है। मतलब माइनर कैन बी एडमिटेड, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या, माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता लेकिन बेनिफिट्स में एडमिट हो सकता, और बेनिफिट्स का मतलब क्या है कि आम बंदों की लाइबिलिटी, आम पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब समझ आया? लिमिटेड का मतलब क्या है, घर से पैसे नहीं लाने, घर से पैसे नहीं लाने। वो जो मालिक ने बीवी को जेवर बना के दिया हुआ है वो बेचने की नौबत नहीं आएगी, वो जो घर मकान जहां पे रहता है उसको बेचने की नौबत नहीं, जिस गाड़ी पे आता है पर्सनल गाड़ी है उसको बेचने की नौबत नहीं, कब नहीं आएगी? लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या, अनलिमिटेड में? लिमिटेड में। और जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुई तो सारा कुछ बिक जाएगा, वो सड़क पे आ जाएगा, ठीक है?
तो माइनर को फायदा हो गया कि नहीं हो गया? माइनर का पार्टनरशिप में क्या स्टेटस होगा, समझ आया? नो पार्टनर बट कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे चलें। एक है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप तो पता है आपको क्या होता है पार्टनरशिप? जब एक से ज्यादा ओनर लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। एक होता है प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट कौन होता है? जो किसी के बिहाफ पे काम करता है, यानी मैं अगर किसी बंदे को अपॉइंट करता हूं और उसे इंस्ट्रक्शन देता हूं कि तुम मेरा ये काम करो, तो वो मेरा और मैं एजेंट। नॉर्मली किन किन कामों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है एजेंट? बहुत से कामों के लिए अपॉइंट किया जाता है। दो एग्जांपल्स आपको देता हूं। फर्स्ट कीजिए, मैंने मेरा कोई घर है, मैंने अपना घर बेचना है, तो मैं एजेंट को कह सकता हूं कि भाई कोई अच्छा सा ग्राहक ढूंढो और इस घर को बेच दो। या मेरा कोई बिजनेस है और मैं उस बिजनेस पे नहीं बैठता, दुकान पे नहीं बैठता, मैं किसी एम्प्लॉई को अपने बिहाफ पे बिठा देता दुकान, उसे कहता हूँ कि इस दुकान को चलाना, तो वो एम्प्लॉई क्या है? मेरा एजेंट। वो एम्प्लॉई उस बिजनेस में रहते हुए जो भी सेल परचेज की एग्रीमेंट करेगा, बताइए वो मेरे ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। एग्रीमेंट कर कोई और रहा है और बाइंडिंग किसी और के ऊपर है, इसलिए कि वो जो दूसरा एग्रीमेंट कर रहा है वो इसके बिहाफ पे कर रहा है, एग्रीमेंट कोई और कर रहा है, एजेंट। बाइंडिंग कौन हो रहा है? प्रिंसिपल। तो एजेंट कौन है? वो पर्सन जो किसी और के बिहाफ पे एक्ट करता है। जिसके बिहाफ पे एक्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और जो किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करता है, माइनर पार्टनर हो सकता है लेकिन माइनर एजेंट हो सकता है। एक मिनट ठहरे। एजेंट वो है जो दूसरों के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो माइनर कैसे एजेंट हो सकता है? माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, वो खुद नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, वो किसी के प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। प्रिंसिपल के तो कॉन्ट्रैक्ट जिसके बिहाफ पे हो रहा है वो बंदा ठीक है कि नहीं? वो बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर एजेंट माइनर है, वो किसी दूसरे के साथ एग्रीमेंट करता है, तो प्रिंसिपल बाइंड, वो एग्रीमेंट वैलिड है। अगर फिर सुने, अगर एजेंट माइनर है, वो माइनर किसी दूसरे के बिहाफ पे एग्रीमेंट करता है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड है। लेकिन किसके खिलाफ वैलिड है? माइनर के खिलाफ नहीं, प्रिंसिपल के खिलाफ वैलिड है। ठीक है? अच्छा, अब एक सेंटेंस बोलने लगा हूं, आपने मुझे एक्सप्लेन करना है इसकी रीजन। हमारी लॉ की बुक्स में लिखा होता है, माइनर कैन बी एन एजेंट बट माइनर कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल। माइनर कैन बी एजेंट बट माइनर कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल। अच्छा, माइनर को एजेंट की इजाजत क्यों दी गई बनने की? क्योंकि वो दूसरे के बिहाफ पे एग्रीमेंट कर रहा है, असल में एग्रीमेंट वो किसी और का हुआ, प्रिंसिपल का। और माइनर को प्रिंसिपल बनने की इजाजत क्यों नहीं दी? क्योंकि वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। भाई ये बात समझ आ गई? माइनर कैन बी एजेंट बट कैन नॉट बी प्रिंसिपल, समझ आ गई? अगर आप बिजनेस के मालिक हैं, आप किसी एजेंट को, किसी माइनर को अपना एजेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस के मालिक हैं और आप माइनर हैं, आप किसी मेजर को अपना एजेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भला? क्योंकि एग्रीमेंट असल में प्रिंसिपल के बिहाफ पे हो रहा है। जब प्रिंसिपल माइनर है तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता, जब प्रिंसिपल मेजर है ना तो फिर एग्रीमेंट हो सकता है, चाहे जो मर्जी करे, एजेंट जो मर्जी हो। और अगर प्रिंसिपल माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, चाहे एजेंट मेजर हो। कुछ कुछ समझ आई? नहीं आई समझ? मुश्किल हो गया? मुश्किल, हाँ मुश्किल हो गया सर। सुन लें आप एग्जाम्पल के जरिए से, वो सुनते। ओनर मेजर है, उसने माइनर को अपॉइंट किया, चाहे मेरे भी हाथ पे ये बिल्डिंग सेल कर दो, माइनर ने एग्रीमेंट कर दिया, क्या ओनर बिल्डिंग सेल करने के लिए लायबल है? क्योंकि हालांकि माइनर ने एग्रीमेंट किया है और नॉर्मल मेजर के वैलिड। शाबाश शाबाश। अगर ओनर माइनर है, एजेंट मेजर है, माइनर ने एजेंट को कहा, अब देखिए प्रिंसिपल माइनर है, माइनर ने यानी प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा जाओ बिल्डिंग बेच दो, एजेंट ने बिल्डिंग बेचने का एग्रीमेंट कर दिया, क्या माइनर लायबल है? क्यों नहीं है? शाबाश। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल माइनर है, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया ये बात? दोनों माइनर हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना, फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है?
ठीक है। अगर माइनर एजेंट है तो उसके जितने भी एक्ट होंगे उनके लिए लायबल कौन है? और अगर माइनर प्रिंसिपल है तो वो किसी एग्रीमेंट के लिए लायबल? अगर माइनर खुद प्रिंसिपल है तो एजेंट ने जो भी एग्रीमेंट किया उसके लिए माइनर, तो कौन लायबल है वाला? एजेंट खुद लायबल है। एक मिनट, फर्ज कीजिए मैं हूँ मेजर। अब गौर से सुनेगा, अब बड़े क्रिटिकल फेज में कहानी पहुंच गई है। मैं हूँ मेजर, ये है माइनर। मैंने इन्हें कहा जाके ये बिल्डिंग बेच दो, ये माइनर है। इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, क्या मैं पाबंद हूँ बिल्डिंग बेचने का? क्यों भला? आपने असल में एजेंट को हटा के देखना है जिसके साथ असल में एग्रीमेंट हो रहा है, जिसके भी यहाँ पे वो पार्टी कम्पिटेंट है कि नहीं। मैं कम्पिटेंट हूँ, मैं बाइंडिंग हूँ, क्लियर। अब मैं माइनर हूँ, ये मेजर है। अव्वल तो इनको मेरा एजेंट ही पॉइंट नहीं होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि माइनर तो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, और मैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनको अपॉइंट कर रहा हूँ, इनको पता होना चाहिए कि नहीं कि ये मेरा एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मैं माइनर हूँ, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। ये फिर भी एजेंट अपॉइंट हो गए कमीशन के चक्कर में और जाके एग्रीमेंट कर लिया। मैंने हिसाब लगाया, मुझे वारा नहीं खाता, मैंने कहा मैं ये एग्रीमेंट पूरा नहीं करूंगा, मैं लायबल हूँ क्या? क्यों लायबल क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं माइनर हूँ। तो जरा सोच के बताइए, थर्ड पार्टी किसके खिलाफ केस करेगी? मेरे खिलाफ? क्या एजेंट के खिलाफ? जिस तरीके एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट होता है वाइड अगेंस्ट माइनर, भूल गए रूल। एग्रीमेंट का रूल क्या बताया था? वाइड। ये जो एजेंट ने एग्रीमेंट किया है थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी इसकी बेस पे मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। वाइड अगेंस्ट मी बट नॉट वाइड अगेंस्ट हिम, ये तो मेजर है ना। थर्ड पार्टी इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। कुछ कुछ समझ आई बात? नहीं समझ आई बात? एजेंसी अब सुने, उन्होंने दो कंसेप्ट इकट्ठे कर दिए, हमें एक ही समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने एजेंसी के साथ ये रेटिफिकेशन का भी मिक्स कर दिया। सुन ले कंसेप्ट, अब इसका जवाब देंगे मुझे जिन भाई को मैं कहूंगा, वो जिन भाई को कहूंगा। हाँ, मैं माइनर हूं, मैं इनके पास क्या? मैंने कहा भाईजान आप मेरी पिछले महीने 18वीं सालगिरह हुई थी, आप आए क्यों नहीं? मुझे बड़ा गिला है आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं मैंने बिल्डिंग बेचनी है, बिल्डिंग बेचते हैं फिर उसकी पार्टी करेंगे। ये आप बिल्डिंग बेचिए मेरे बिहाफ पे। इन्होंने और कोई वेरिफिकेशन नहीं की, बिल्डिंग बेचने निकल गए, एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। बताइए क्या मैं अब उस एग्रीमेंट की बेस पे, अब मैं बिल्डिंग नहीं बेचना चाहता, क्या मैं बिल्डिंग बेचने का पाबंद हूँ? क्यों नहीं पाबंद? नॉर्मल रूल तो ये होता है कि एजेंट जो भी काम करेगा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, एजेंट का काम प्रिंसिपल का काम समझा जाता है। तो ये एजेंट का एग्रीमेंट मेरा एग्रीमेंट क्यों नहीं समझा जा रहा? क्योंकि मैं माइनर हूं, ये जेन में रखिएगा, मैं माइनर हूं। लेकिन मैंने तो अपने आप को शो करवाया था मेजर हूं, झूठ बोल के मैंने कहा था मेजर हूं, तो क्या अब ला मुझे मेजर ही ट्रीट करेगा कि फिर भी माइनर ट्रीट करेगा? क्योंकि नो, ये रूल ऑफ एस्टॉपेल डज नॉट अप्लाई, रूल ऑफ एस्टॉपेल डज नॉट अप्लाई, तो मुझे माइनर ही ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब है मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो फिर किसके खिलाफ एक्शन लिया? वो थर्ड पार्टी बिचारी जिसने एग्रीमेंट कर लिया है वो किसके खिलाफ एक्शन लेगी? एजेंट के खिलाफ। एजेंट को पता होना चाहिए था, एजेंट पहले एजेंट पॉइंट होते हुए ना तसल्ली कर लेनी चाहिए कि प्रिंसिपल हमारा माइनर तो नहीं है। ये रूल ऑफ स्टॉपल पार्टनरशिप है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे, ये करेंगे स्टडी, होता है अप्लाई। हाँ तो माइनर के केस में रूल ऑफ स्टॉपल कभी भी अप्लाई नहीं होगा, चाहे आप माइनर को एजेंट बना लें, चाहे माइनर को पार्टनर बना लें, या चाहे माइनर को माइनर ही रहने दें और वो किसी से लोन ले रहा हो, रूल ऑफ स्टॉपल कभी भी माइनर पे अप्लाई नहीं होगा। आगे चलें जी, पेरेंट्स ऑफ माइनर, पेरेंट्स ऑफ माइनर, माइनर के एक्ट्स के लिए पेरेंट्स लायबल होते हैं? लीगली लायबल नहीं है, ठीक है। गली मोहल्लों में ऐसा होता है ना, माइनर बाहर निकला, कुछ शरारत करा, कोई चीज उठा ली, उसने किसी लड़ाई झगड़ा करा है, तो उसके वालदैन इधर, इसके वालदैन को आगे शिकायत लगाने पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो बेचारे माफिया भी मांगते हैं। लेकिन लीगली माइनर के एक्ट के लिए पेरेंट्स लायबल, माइनर ने किसी से जाके उधार लिया और अब वो वापिस नहीं कर रहा, क्योंकि माइनर वाइड है ना, क्या जिसने उधार दिया वो माइनर के वालदैन से पैसे रिकवर करवा सकता है? माइनर अलहदा है, उसके वालदैन अलहदा। लॉ कहता है माइनर कोई भी पैसे लेगा, वालदैन जिम्मेदार नहीं है। पहले बताएं ये समझ आया, पेरेंट्स नॉट लायबल। माइनर के एक्ट्स के लिए पेरेंट्स
नॉट लायबल, ठीक है। अच्छा बाज बात ऐसा होता है कि जो गार्डियन होते हैं, गार्डियन समझते हैं, गार्डियन सरप्रस्त होते हैं, जैसे वालदैन की डेथ हो गई, चचा ताया के कोई गार्डियन बन गया, अगर कोई चचा ताया गार्डियन बन गया और उसने कहा सर माइनर की परवरिश के लिए पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं, क्या कोर्ट से इजाज़त लेके वो माइनर की प्रॉपर्टी बेच सकता है? माइनर अरबपति है, उसका बाप अरबपति था, अरबों की प्रॉपर्टी है। चचा ने कहा कि चलो मैं इसकी परवरिश करता हूँ और उसकी परवरिश शुरू कर दी, लेकिन अब वो उसकी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, क्यों? परवरिश पे अखराजात बहुत आ रहे हैं। याद रखें गार्डियन अपॉइंट करता है कोर्ट, और अगर कोई हिसाब किताब जो उसका होता है ना, वो करता है सारा हिसाब किताब, गार्डियन ने सारा हिसाब किताब मेंटेन करके कोर्ट को प्रोवाइड करना होता है। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी अगर सेल करनी है ना, उस सूरत में भी कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। गार्डियन अगर कोर्ट से इजाजत ले लेता है तो वो माइनर की प्रॉपर्टी सेल करने का एग्रीमेंट करता है। बताइए ये वाला एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाया जा सकता है कि नहीं? इस पे माइनर के बेनिफिट्स के लिए इस पे वो रोल तो नहीं लगेगा? अगर माइनर इसमें कहे नहीं नहीं मैंने प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, माइनर कहे मैंने प्रॉपर्टी बेची जाएगी कि नहीं? बेची जाएगी, ठीक है। ये एक किस्म का समझ लीजिए कि लॉ ने कह दिया इस सिचुएशन में एग्रीमेंट माइनर के खिलाफ इन्फोर्स करवाया जा सकता है। किस सिचुएशन में? जब कोई गार्डियन या पेरेंट और गार्डियन दोनों अल्फाज लिखे हुए, आपने गार्डियन के ऊपर फोकस करना है। जब कोई गार्डियन माइनर की प्रॉपर्टी सेल करने का एग्रीमेंट करे फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होता है, उसमें माइनर लाख ना ना करता रहे लेकिन प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। ये बुक में नहीं लिखा लेकिन बैकएंड में रीजन इसकी ये होती है कि कोर्ट इजाजत दे देती है इसकी। कोर्ट ये समझते हैं कि माइनर में इतना शोर नहीं है अपने फैसले कर सके, तो जज उसके भी हाथ में फैसला करता है। जी जी बिल्कुल, ये बता रहा हूँ ना कि ये एग्रीमेंट चाहे माइनर के खिलाफ भी इन्फोर्स हो सकता है, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, इन्फोर्सेबल होगा। क्लियर? नॉर्मल रूल क्या भला, ये क्यों समझा रहा हूँ आपको? नॉर्मल रूल यह है कि पेरेंट्स की एग्रीमेंट उनके अपने अलग एग्रीमेंट्स हैं, माइनर उनके लिए लायबल नहीं है, माइनर के ऊपर इन्फोर्सेबल नहीं, और माइनर के एग्रीमेंट्स अलग एग्रीमेंट्स हैं, पेरेंट्स के ऊपर लायबिलिटी नहीं है कोई। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट गार्डियन करे माइनर के बेनिफिट के लिए, तो वो माइनर के खिलाफ एग्रीमेंट कंप्लीट करवाया जा सकता है। आई बस आगे चलते हैं। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट अलोंग विद अडल्ट, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, इसे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं या इसे जॉइंट प्रोमिसर भी कह सकते हैं। जॉइंट प्रोमिसर आपको पता है? एक अब एक दूसरा कंसेप्ट आ गया जेन में, चले वो भी साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। एक पार्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती हैं? कितनी पार्टीज हैं? दो, एक प्रोमिसर और एक प्रोमिसी। एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने उस सोसाइटी में जितने लोगों ने भी प्लाट लिया था, 100 लोग थे, उनके साथ मुआहदा किया था कि वो 3 महीने के अंदर अंदर यहां पे कंस्ट्रक्शन करवा देगा, उनके घर कंस्ट्रक्ट करवा देगा। ये एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में कितनी पार्टीज है? दो या 101? इस एग्रीमेंट में दो पार्टीज है, एक प्रोमिसर, प्रोमिसी, प्रोमिसर वो सोसाइटी का मालिक, प्रोमिसी वो 100 मालिक, वो जो जो जिन्होंने प्लाट लिया वो प्रोमिसी। तो याद रखें मेन पार्टी प्रोमिसर और प्रोमिसी रहेंगे, ये एक है और ये 100। आपने अक्सर जब कोर्ट की रीडिंग में केस रेफरेंस होते हैं सुना होगा शायद, मिस्टर असलम वर्सेस बदर एंड चौधरी एंड अदर्स, ठीक है, बाजूकात ऐसे बहुत से नाम लिखे होते हैं। तो मेन पार्टीज दो ही होती हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी। वो जो दूसरे लोग जब ऐड होते जाते हैं ना, उन्हें थर्ड पार्टी नहीं कहते हम, उन्हें हम कहते हैं ये जॉइंट प्रोमिसर हैं या जॉइंट प्रोमिसी हैं। क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोमिसर या जॉइंट प्रोमिसी। तो प्रोमिसर मुझे ये बताइए, अगर ए और बी दोनों मिलके वादा करें कि वो सी को 1000 रुपया देंगे, तो इसमें प्रोमिसी कितने हैं? एक, और प्रोमिसर कितने हैं? ए और बी, इनको क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोमिसर। ए और बी को क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोमिसर। तो कंसेप्ट क्या है बलाव? अगर जॉइंट प्रोमिसर दो हो, एक माइनर और एक अडल्ट, तो पैसे किसने अदा करने हैं? अडल्ट ने। माइनर लायबल नहीं है,
यही समझा रहा है कि अगर कोई जॉइंट माइनर ने जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया हो ना किसी एडल्ट के साथ मिलके, यानी एडल्ट के साथ मिलके, एक तो एक्सप्रेशन ये है ना कि प्रोमिजी माइनर और प्रोमिजर अडल्ट, एक तो सिचुएशन ये है। यहां पे ये डिस्कस नहीं हो रहा, यहां पे क्या डिस्कस हो रहा है, माइनर और अडल्ट दोनों कॉन्ट्रैक्ट के एक साइड पे हैं, दोनों प्रोमिजर, माइनर और अडल्ट में से एक प्रोमिजर एक प्रोमिजी, ये कंसेप्ट नहीं बता रहा, वो तो यहां पे डिस्कस हो गया था ना। अगर माइनर और अडल्ट मिलके एग्रीमेंट करें तो उस एग्रीमेंट पे लाइबिलिटी किसकी होगी, अडल्ट की, माइनर की नहीं होगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। इनसॉल्वेंसी, माइनर एग्रीमेंट, लोन का एग्रीमेंट कर सकता है किसी के साथ माइनर, कोई भी एग्रीमेंट नहीं, तो क्या माइनर को इंसॉल्वेंट करार दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उस बंदे को कहते हैं जो अपने लोन रीपे ना कर पाए और जब कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट करार दे देना, आप समझ रहे होंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम किसी से लोन लें और कोर्ट में जाके कह दें हाँ इंसॉल्वेंट है, जब कोर्ट हमें इंसॉल्वेंट करार दे देगा तो हमने किसी के भी पैसे नहीं देने, ऐसे ही होता है। लेकिन कोर्ट एक और कंडीशन लगाता है, कोर्ट कहता है अब इस बंदे ने और किसी के पैसे नहीं देने क्योंकि इसके पास पैसे हैं ही नहीं, ये अदा करने के काबिल ही नहीं है। लेकिन फिर उस बंदे को कहते हैं खबरदार तुमने आंदा कोई भी सारी जिंदगी बिजनेस नहीं करना क्योंकि तुम जिसका भी पैसा लोगे उसका पैसा डुबोगे। तो इसीलिए इंसॉल्वेंट होना कोई अच्छी बात, इंसॉल्वेंट होने का एक प्लस पॉइंट है कि माइनस है, प्लस पॉइंट क्या है किसी के पैसे, माइनस पॉइंट क्या है बिजनेस नहीं कर सकते सारे। इंसॉल्वेंसी क्लियर। फिर फाइलिंग सूट, माइनर के खिलाफ कोई केस फाइल किया जा सकता है, सिविल केस फाइल नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल का केस फाइल किया जा सकता है। माइनर अगर दहशतगर्दी करेगा, मर्डर करेगा, चोरी करेगा तो उसके खिलाफ केस फाइल हो सकता है, लेकिन सिविल कोर्ट में किसी से एग्रीमेंट किया और उसकी खिलाफ वर्जी की, किसी के साथ एग्रीमेंट किया उसकी खिलाफ वर्जी की, इसका केस फाइल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन पता है आपको, क्योंकि वो माइनर है और कोई भी एग्रीमेंट इज वॉइड अगेंस्ट माइनर। लास्ट कंसेप्ट और प्रोबेबली सबसे अहम, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अगर आप, मैंने, ये माइनर है, मैंने इन्हें कोई चीज दी, इन्होंने खर्च कर ली, खा पी ली, क्या मैं इनसे रिकवर करवा सकता हूँ, पैसे रिकवर करवा सकता हूँ, क्यों, माइनर है, वाइड अगेंस्ट माइनर है। लेकिन इस प्रोविजन की वजह से होता क्या था कि एक माइनर है बेचारा, वो अकेला है, घर का रास्ता भूल गया, उसे घर जाने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, उसे पता रिकवरी नहीं होगी, सख्त सर्दी में बैठा है, उसे कोई कोट खरीद के नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, उसे पता है कि रिकवरी नहीं होगी, वो भूख से मर रहा है, कोई उसे खाना खाने को नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, उसे पता है माइनर है रिकवरी नहीं होगी, तो ये माइनर तो गया। इसीलिए लॉ ने एक सिचुएशन रखी है, इसीलिए लॉ ने एक सिचुएशन रखी है क्या, कि अगर कोई भी नेक दिल इंसान किसी माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेगा, कोई भी नेक दिल इंसान किसी माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेगा तो वो पैसे रिकवर करवा सकता है, वो पैसे रिकवर करवा सकता है। तो मैं एक नेक दिल इंसान, ये माइनर बहुत अमीर है, घर का रास्ता भूल गए हैं, भूख से तड़प रहे हैं, मेरे दिल में आई, मैंने कहा आज नेकी करते हैं, रमजान का महीना है, ज्यादा सवाब मिलेगा, मैंने इनको पिज्जा खिलाया और इनसे कहा भाईजान लिख के दो कि आप 1 करोड़ रुपया मुझे अदा करेंगे इस पिज्जे की कीमत के बदले में, रीजनेबल, क्या रीजनेबल होना चाहिए, yes, जो अमाउंट एग्री हुई वो नहीं मुझे मिलनी चाहिए, रीजनेबल मिलनी चाहिए, यस yes, ये ध्यान रखिएगा। माइनर को अगर आप कोई चीज प्रोवाइड करें तो पैसे रिकवर करवा सकते हैं, शर्त क्या है, पहली शर्त वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो, दूसरी शर्त रीजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकते हैं, तीसरी शर्त माइनर के पास इतने पैसे या प्रॉपर्टी मौजूद हो कि वो प्राइस पे कर सके। अगर माइनर के पास पैसे मौजूद या प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है तो आप उससे प्राइस रिकवर नहीं, उसको इंसॉल्वेंट करार दिलवा सकते हैं कोर्ट से कि सर देखे इसे पैसे देने थे नहीं दिए, नहीं करवा, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। कुछ कुछ समझ आई, ये एंड, हाँ, टू हिज डिपेंडेंट,
कि अगर आपने नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई की, किसको सप्लाई की? माइनर को। ये पेरेंट्स नॉट लाइबल हम पहले पढ़ चुके हैं ये वीडियो में। माइनर को सप्लाई की नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो क्या आप प्राइस रिकवर करवा सकते हैं? शर्त क्या है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होनी चाहिए, प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, माइनर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसे रिकवर करवाएंगे। यहाँ पे एक लफ्ज इन्होंने कहा सर और लिखा हुआ है कि सप्लाई किया हो माइनर को या उसके डिपेंडेंट को। तो अगर डिपेंडेंट्स को भी आपने नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई की हैं तो रिकवर करवा सकते हैं। डिपेंडेंट्स कौन होते हैं भला? गार्डियन डिपेंडेंट्स नहीं होते, डिपेंडेंट्स होते हैं बीवी बच्चे, ठीक है। हो सकते हैं माइनर के भी बीवी बच्चे हो सकते हैं, बल्कि माइनर क्या पागल के भी बीवी बच्चे हो सकते हैं पागल। असल में ये कंसेप्ट है माइनर और अनसाउंड माइंड दोनों के लिए कॉमन। आगे चल के जो हमने नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है ना वो अनसाउंड माइंड का पढ़ना है, उसमें भी हम यही स्टडी करेंगे कि अगर आपने पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई की तो आप रीजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकते हैं। उसमें भी ये लिखा होगा कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या उसके डिपेंडेंट को। क्लियर हो जाएगा जी? हाँ जी, आगे चल भाई, ये क्लियर हो गया ये? देखिए असल में जब कोई गार्डियन अपॉइंट होता है, उनका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई गार्डियन अपॉइंट हुआ लेकिन बाद में पता चला उसके पेरेंट्स जिंदा है, पहली चीज़ तो ये कि कोई भी गार्डियन खुद से फैसला नहीं कर सकता कि मैं इन बच्चों का गार्डियन हूँ, वो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, कोर्ट अपॉइंट करती है, और कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, वो जब तक कोर्ट को पक्का नहीं ना होगा कि इसके वालदैन की डेथ हो गई है, कोर्ट ऑर्डर ही किसी को गार्डियन ही नहीं अपॉइंट करेंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि किसी के वालदैन जिंदा है और कोर्ट किसी दूसरे को गार्डियन अपॉइंट करते, वो तो वालदैन का पहला हक है। लेकिन फर्ज कीजिए वालदैन कहीं गुम हो गए, सारे समझ रहे उसकी डेथ हो गई और कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया, बाद में अगर वालदैन सामने आ भी जाते हैं तो याद रखें जो भी गार्डियन ने एक्ट्स वगैरह किए होंगे क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक किए हैं वो वैलिड होंगे, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं होगा जी। वो जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो भी उसने खर्चे वगैरह किए होंगे वो पेरेंट्स से रिकवर करवा सकते। अगर पेरेंट्स ना होते तो गार्डियन कहाँ से रिकवर करवाता? माइनर की प्रॉपर्टी से ना। अगर पेरेंट्स आ गए हैं तो या तो पेरेंट्स खुद पे कर दें या वो माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर करवा लेगा, ठीक है जी। कुछ तो समझ आया? नहीं कुछ भी समझ नहीं, मैं तो सारा कुछ भूल गया हूँ। ये खास तौर पे दरमियान में एजेंसी और पार्टनरशिप की बात आई थी ना, तो मैं तो सारा गूँ। तो जब तक केस स्टडीज नहीं ना करूंगा मैं, मुझे नहीं इसकी समझ आने, जब तक मैं केस स्टडी नहीं कर। तो केस स्टडी की तरफ चलें। आपके पास 3 मिनट हैं, आप 3 मिनट में ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है? 7। इसकी रीडिंग कर लीजिए, इसके बाद इसके पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। पास कीजिएगा थोड़ी देर जी। रीडिंग कर ली होगी आपने? एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था। उसने कहा सर पहले तो आपने हमें यह बताया था कि कंसीडरेशन होना जरूरी है, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, तो अगर एक पिज्जा 1 करोड़ रुपए में एग्री हो जाता है तो कंसीडरेशन तो है, एडिक्वेट नहीं लेकिन कंसीडर तो वो वैलिड होने चाहिए। वो नॉर्मल हालात में अगर किसी मेजर के साथ एग्रीमेंट किया जाता ना तो वो वैलिड होती, लेकिन यहाँ पे चूंकि लॉ ने माइनर के केस में स्पेसिफिकली लिख दिया है कि सिर्फ रीजनेबल प्राइस होगी, तो याद रखिए जिस सिचुएशन को लॉ स्पेसिफिकली डिस्कस कर दे हम उसमें फिर जनरल रूल अप्लाई नहीं करते, फिर उसमें स्पेसिफिक रूल अप्लाई करते हैं। ये हमारा एक ओवरऑल रूल होता है लॉ का कि स्पेसिफिक लॉ ओवरराइड्स जनरल लॉ, तो उस सूरत में उसे रीजनेबल प्राइस ही मिलेगी। और कोई क्वेश्चन जी? हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी स्टूडेंट का? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 35, कमेंट ऑन एनफोर्सबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड विद माइनर, जो माइनर के साथ एग्रीमेंट किए गए। दाउद ए माइनर मॉर्टगेज्ड हिज, मॉर्टगेज का मतलब है लोन एग्रीमेंट किया, जमानत के तौर पे घर दिया, कर्जे की जमानत के तौर पे घर देना, इसे कहते हैं हाउस मॉर्टगेज, गिरवी देना। दाउद ए माइनर मॉर्टगेज हिज हाउस इन फेवर ऑफ मोहसिन टू सिक्योर ए लोन ऑफ ₹20,000। घर किसका था? माइनर का, दाऊद का। लोन किसने लिया? माइनर ने, दाऊद ने। दाउद रिसीव द अमाउंट, मोहसिन फाइल्ड ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड सेल ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मोहसिन ने केस किया रिकवरी के लिए, क्या मोहसिन पैसे रिकवर करवा पाएगा? क्यों नहीं रिकवर करवा पाएगा? एग्रीमेंट इज वॉइड अगेंस्ट माइनर। शाबाश, ये पहले वाला, ये एग्जाम्पल के साथ अब समझ आ गया आपको ये वॉइड इसका क्या मतलब है।
क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। बी मोमिन ए माइनर फ्रॉडुलेंटली शोज दैट ही इज ऑफ फुल एज। फुल एज का मतलब है वो अडल्ट है, मेजर है। मोमिन ए माइनर फ्रॉडुलेंटली शोज दैट ही इज फुल एज एंड कॉन्ट्रैक्ट विद नूर टू सेल हिज हाउस। मोमिन रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही इज ए माइनर। बाद में पहले उसने कहा मैं तो मेजर हूं, अडल्ट हूं, एग्रीमेंट कर लिया, बाद में एग्रीमेंट पूरा करने से इनकार कर दिया। क्या कह के, मैं तो माइनर, असल में माइनर ही है, वो तो झूठ मूठ उसने कहा था। तो बताइए एग्रीमेंट वैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है? रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट। तो अब ये एग्जांपल के साथ क्लियर हो गया, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। जी जी हाँ, ए वाले में शाबाश, उन्होंने कहा अगर ए वाले में दाऊद ने पैसे यूज ना किए हों तो वो रिकवर करवा सकता है। यस, आप ये एडिशनल पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट के बाद कि ये एग्रीमेंट वॉइड है, रिकवरी नहीं हो सकती। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन में जब उसने इस तरफ हमें लेके जाना होता ना तो हमें बता देता है कि उसने 10,000 खर्च कर लिया, 5,000 अभी पड़ा हुआ है। जब कुछ नहीं बताया इसका मतलब है उसने सारे पैसे खर्च कर लिए हुए, लेकिन लिखना चाहें ये पॉइंट लिख सकते हैं बिल्कुल। भाई क्लियर हो गया, और भी आगे चलते हैं। मारिया माइनर बारोड उधार लिए सम मनी एंड रोट एक प्रो नोट होता है, प्रोमिसरी नोट, एग्रीमेंट लिख दिया फॉर इट। मारिया माइनर ने पैसे उधार लिए और एक कागज के ऊपर लिख दिया क्या कि आपको कुछ अरसे के बाद ये पैसे अदा कर दिए जाएंगे ऑन ट्रेनिंग। क्या यहां पर क्वेश्चन रुक जाए, क्या ये इस प्रोमिसरी नोट जो लिखा है उसने इसकी बेस पे मारिया पैसे अदा करने की पाबंद है? नहीं है। शाबाश, ये जेन में रखेगा, ये एग्रीमेंट वाइड है, ये एग्रीमेंट वाइड। फिर क्या हुआ, ऑन ट्रेनिंग मेजोरिटी मारिया रोट ए सेकेंड प्रो नोट टू सेटल द फर्स्ट वन। पहले वाले को सेटल करने के लिए दूसरा, तो पहले वाला तो वाइड है, तो वाइड को सेटल करने के लिए जो एग्रीमेंट लिखा वो भी वाइड ही होगा, वो भी वाइड ही होगा। तो यहां पे रूल क्या बना हमारा, कौन सा रूल अप्लाई हुआ? नो रेटिफिकेशन। एग्जांपल के साथ सब समझ आ गया, आगे चलते। डी हुसैन एजेड 16, एज किस लिए बताई उसने हमें? ये बताने के लिए कि माइनर है। एंड बुरहान एजेड 26 जॉइंटली एग्री टू पे सर्टन अमाउंट एंड एग्जीक्यूट ए बॉन्ड। दोनों मिलके ये फैसला करते हैं कि वो कोई सर्टन अमाउंट पे करेंगे। बताइए ये दोनों प्रोमिसर हैं कि प्रोमिसी हैं? प्रोमिसर। तो इनको क्या कहा जाता है जब प्रोमिसर एक से ज्यादा हो? जॉइंट प्रोमिसर। एक माइनर है, एक अडल्ट है, कौन लायबल है इसमें? वादा हालांकि दोनों ने किया पैसे पे करने का, लेकिन कौन लायबल है? कौन सा कंसेप्ट था ये? ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद अडल्ट। क्लियर हो गया एग्जाम्पल के साथ कि इसमें कौन लायबल है? माइनर नॉट लायबल, यानी हुसैन नॉट लायबल, बुरहान लायबल। नेक्स्ट ही आजम अंपायर्स मोहसिन ए माइनर एज इज एजेंट। ये लो एजेंट का केस आ गया जिसके ऊपर हम घूमते हैं। आजम ने अपॉइंट किया मोहसिन को अपना एजेंट, यानी माइनर एजेंट है, हो सकता है ना? टू सेल हिज हाउस। मोहसिन मेक्स एग्रीमेंट विद बाबर। मोहसिन ने बाबर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? लेकिन ये तो माइनर ने किया, ये क्यों वैलिड? उसने खुद का नहीं किया एग्रीमेंट, उसने ऑन बिहाफ ऑफ मेजर किया, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है। किसके खिलाफ इन्फोर्स करवाया जा सकता है? आजम के खिलाफ। अगर अगर ये प्रॉपर्टी नहीं बेचते, हाउस नहीं बेचते बाबर को, बाबर किसके खिलाफ केस फाइल करेगा? आजम के खिलाफ। ये क्लियर हुआ? ये हमने पढ़ा था इन एजेंसी इफ माइनर इज एजेंट, ये वाला केस एजेंसी वाला, इफ माइनर इज एजेंट प्रिंसिपल लायबल फॉर एक्ट। क्लियर हो गया एग्जांपल के साथ, आगे चलते हैं। मरियम ए माइनर बायज मेडिसिन फ्रॉम जैन। मरियम हैज नो प्रॉपर्टी। क्या माइनर से पैसे रिकवर करवाए जा सकते? माइनर को कोई चीज दें तो पैसे रिकवर करवाए जा सकते? कंडीशंस क्या है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो, प्रॉपर्टी हो। यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ लाइफ है क्या? मेडिसिन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं। और क्या क्या नेसेसिटी ऑफ लाइफ होता है? रोटी कपड़ा और मकान, ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। एजुकेशन भी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, मेडिसिन भी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ना? आईफोन भी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, आईफोन नेसेसिटी ऑफ लाइफ है? नहीं,
BMW necessity of life है? Yes वाला तो खड़ा करें सर, इसके लिए आपको खड़ा करें। नहीं, ये necessity of life क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, एजुकेशन, मेडिसिन। तो बताइए, मरियम माइनर है, मेडिसिन necessities of life है, लेकिन चूंकि मरियम की प्रॉपर्टी कोई नहीं है, तो जैन मरियम से पैसा रिकवर करवा सकता है? नो। क्लियर हो? ये वाली कंडीशन necessities of life वाली, ठीक है। इसमें चूंकि प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी वाली यहां नहीं लिखी हुई। प्रॉपर्टी होगी तो रिकवरी होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। हाँ, बाय कर, उधार नहीं, नहीं, वॉलंटरीली। अगर अल्लाह वास्ते जैन, अल्लाह वास्ते मरियम को मेडिसिन दे रहा होता, फिर तो रिकवरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो वो मेजर भी हो तो रिकवरी का सवाल नहीं पैदा होता। जी असलम, ए माइनर डिलीवर्ड सम गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट टू प्रवीण। माइनर ने प्रवीण को गुड्स डिलीवर की, प्रवीण रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट। प्रवीण ने कहा मैंने पेमेंट नहीं करनी, तुम तो माइनर हो, माइनर के साथ एग्रीमेंट वाइड है। क्या असलम रिकवरी करवा सकता है? वाइड अगेंस्ट हिम है, कैन इन्फोर्स, लेकिन माइनर चाहे तो इन्फोर्स करवा सकता है। माइनर, हाँ, यहाँ पे माइनर रिकवरी करवा सकता है, अपने पैसे माइनर रिकवर करवा सकता है कि नहीं? ये कंसेप्ट आ गया एग्जाम्पल के साथ, क्लियर हुआ? रिजवान इज गार्डियन ऑफ मोमिन, ए माइनर। रिजवान एंटर्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर टू सेल मोमिन प्रॉपर्टी ऑन हिज बिहाफ टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंसिस ऑफ मोमिन। गार्डियन ने एग्रीमेंट किया माइनर के बिहाफ पे। क्या ये एग्रीमेंट माइनर के ऊपर बाइंडिंग है? क्या माइनर इस एग्रीमेंट पे अमल करने का पाबंद है? बिल्कुल है। कहां पढ़ा हमने? कहां पढ़ा हमने? नेसेसरीज में कहां पढ़ा? हर चीज नेसेसरी में थोड़ी पढ़ी हमने, नेसेसरी में नहीं पढ़ा हमने। हाँ, ये पेरेंट्स ऑफ माइनर में पढ़ा है के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। अगर पेरेंट्स या गार्डियन माइनर के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं वैलिड, वैलिड है ना? हबीब सप्लाइड नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू अरसलान ए माइनर। हबीब ने नेसेसरीज ऑफ लाइफ अरसलान को प्रोवाइड की, अरसलान माइनर है। क्या हबीब अरसलान से पैसा रिकवर करवा सकता है? कंडीशंस बताइए जो क्वेश्चन में नहीं उसने बताई हुई। अगर माइनर की प्रॉपर्टी है, रीजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकता है, रीजनेबल प्राइस। जी आगे चलें इसके बाद, नेक्स्ट। हबीब सप्लाइज नेसेसरीज टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अरसलान ए माइनर। अब हम आईकैप से पूछें, क्या पूछें? तो माइनर के बीवी बच्चे हो सकते हैं? मैं कह दिया है तो फिर होंगे, होंगे। हबीब ने नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की माइनर के डिपेंडेंट्स को, पैसे रिकवर करवा सकता है? शर्त क्या है? रीजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकता है, प्रोवाइडेड माइनर की प्रॉपर्टी हो। हबीब सप्लाइड ए कोट विद डायमंड बटन्स टू अरसलान ए माइनर। क्यों? कोट कोट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है? डायमंड बटन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, तो ये रिकवर नहीं करवा सकता। ए परचेज 11 कोट्स फॉर माइनर, माइनर हैड सफिशिएंट क्लोथ्स एट दैट टाइम। करवा सकता है रिकवरी? क्यों नहीं? जरूरत ही नहीं थी। आखिरी क्वेश्चन और सबसे अहम, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसने सारा टॉपिक समझ लिया। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बताना क्या है? डिस्कस वेदर द सेलर वुड सक्सीड इन रिकवरिंग द पेमेंट फ्रॉम शुएब आर इजाज मुनसिफ। पहले कहानी को पढ़ लेते हैं। शुएब एजेड 15, इसको अंडरलाइन कर, किस लिए बताया है? माइनर इज द सन ऑफ ए बिलियनियर बिजनेसमैन इजाज मुनसिफ, बिलियनियर का बेटा है। लास्ट मंथ शुएब ड्रॉव हिज फादर्स 2018 मॉडल BMW टू ए विंटेज कार एग्जीबिशन अरेंज्ड बाय वॉक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान। कोई गाड़ियों का बड़ा शोरूम था, उसमें अपने बाप की गाड़ी ड्राइव करके लेके आया। फिर क्या फिल्मी सीन आ गया है ना? एट द एग्जीबिशन ही सॉ ए विंटेज मर्सिडीज बेंज एंड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर फॉर द परचेज ऑफ द कार। उसने मर्सिडीज देखी, उसने कहा यह खरीदूंगा मैं, BMW मुझे पसंद नहीं है, मर्सिडीज पसंद आ रही। ये एग्रीमेंट कर लिया उसने, किसने किया? माइनर ने। किसके साथ कर लिया? जिसके घर मर्सिडीज वाले के साथ। द सेलर जो कि मर्सिडीज का मालिक था, नोइंग इजाज मुनसिफ, उसे पता था इजाज मुनसिफ सेठ साहब का बेटा है, डिलीवर्ड द कार टू शुएब।
उसने शुएब को कार डिलीवर कर दी, सेठ साहब का बेटा है इसको ना तो नहीं कर सकते, कार डिलीवर कर दी। किसको कार डिलीवर की? माइनर को, शुएब को, माइनर को, एट हिज हाउस, उसके घर में। द सेलर रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट फॉर द कार बट शुएब रिफ्यूज टू पे। सेलर ने कहा पैसे दो अब, शुएब ने कहा पैसे कैसे, कोई पैसे नहीं, भाग जाओ। द सेलर इज नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर फुल पेमेंट बाय इजाज मुनसिफ। अच्छा पहली चीज मुझे ये बताइए, क्या ये ट्रांजैक्शन शुएब की अपनी अलहदा है या वालदैन इसमें इन्वॉल्व थे? पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व, अगर तो माइनर एज एजेंट ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स के कहने पे काम कर रहा। भाई पेरेंट्स होता है ना, घर में मेहमान आ गए, उसे कहते जाओ भाई बोतल लेके आ, बोतल लेके आते थे ना आप, तो बाद में दुकानदार को ये कह देते थे कि मैं तो माइनर हूं पैसे नहीं देने। वालदैन लायबल होते थे, क्यों? क्योंकि जब आप बोतल लेने के जाते तो आप एज एजेंट ऑफ पेरेंट्स जा रहे होते थे, तो पेरेंट्स लायबल है। अगर पेरेंट्स ने इजाज मुनसिफ ने अपने बेटे को भेजा होता ना एज एजेंट, तो उस सूरत में इजाज मुनसिफ लायबल होता, क्योंकि एजेंट माइनर भी होना पेरेंट। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें पता चले कि इजाज मुनसिफ ने उसे एजेंट के तौर पर भेजा। तो मुझे बताइए कि क्या इसमें पेरेंट्स लायबल हैं? आप एहतियातन ये लिख सकते हैं, अगर तो एज एजेंट पेरेंट्स ने भेजा हो तो उस सूरत में पेरेंट्स लायबल हो सकते हैं इजाज मुनसिफ, और अगर एज एजेंट नहीं भेजा तो पेरेंट लायबल, पेरेंट लायबल नहीं है, तो कौन लायबल है भला? कौन लायबल है? कौन? हाँ कोई भी नहीं। माइनर शुएब भी लायबल नहीं, क्यों लायबल नहीं है? तो माइनर है। तो ये किसे पैसे रिकवर करवाए? तो क्या करे ये? डूब गए नहीं, भूल गए कंसेप्ट। गाड़ी जो बची खुची है वो वापस लेके जा सकता है। भैया ये समझ आया आपको? माइनर से पैसे रिकवर नहीं कर, उसके वालदैन से भी नहीं करवाए जा सकते, अनलेस के वो एजेंट हो। अच्छा वो हो बड़ा पॉइंट स्लिप हो गया, ओहो ये तो सारी केस स्टडी गलत हो गई। ये प्रोविजन तो भूल ही गए हम कि अगर माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई की जाए तो रिजनेबल प्राइस से कवर करवाई जा सकती है। तो ये करवा सकता है ना रिजनेबल प्राइस? नहीं करवा, क्यों? मर्सिडीज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं। शाबाश, यही पूछना था, क्लियर हो गया। ये सिर्फ कार लिखा होता, कार भी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है। स्कूल जाने के लिए साइकिल लिखा होता ना तो फिर शायद नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हम समझते, वरना नहीं। चलिए एक स्टूडेंट कहने लगा सर मोबाइल भी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। मैंने कहा नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, नहीं है ना? मैंने भी कहा नहीं है। कहने लगा नहीं सर, हो सकता है उसने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो। तो अगर केस स्टडी में कह दे कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल चाहिए, फिर वरना नॉर्मली नेसेसिटीज में नहीं आएगा। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।